आज हम आए हैं बहादुरगढ़ स्टैंडर्ड स्वीट्स पिल्लू पकोड़े वाले पे, और आज हम ट्राई करने वाले हैं बहुत ही यूनिक पकोड़े, दिखाते हैं आपको। बहुत पुरानी शॉप है, पूछते हैं इसके ओनर से। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। कौन सा भी है ये? मैगी का पकौड़ा, चाप का पकौड़ा, आलू बोंडा, अच्छा पालक पकौड़ा। अरे हेलो, ये किस चीज़ का भैया? पनीर का पकौड़ा, ये आलू का पकौड़ा, ग्रैंड आलू, प्याज का पकौड़ा, गोभी का पकौड़ा, ये बैंगन का पकौड़ा, ठीक है, आलू का ब्रेड, ये पनीर का ब्रेड, ब्रेड आप वो डाल दो, पनीर वाला डाल दो, आधा कर दो ना, खाया नहीं जाएगा इतना। आलू का, प्याज का पकौड़ा, ये पालक का, मैगी का, पनीर का, बैंगन का, ये आगे सोया चाप, आलू बोंडा, ये गोभी का आ गया, ये आ गया पनीर का ब्रेड। इनके पास स्वीट कॉर्न का भी है, वो भी रेडी नहीं है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये अब जाएंगे कढ़ाई में, तो अब ये पकोड़े रेडी हो गए हैं बाहर आने के लिए। पकोड़े हो गए हैं रेडी, बहादुरगढ़ पिल्लू पकौड़े वाले पर हम ट्राई करने लगे हैं डिफरेंट टाइप के पकौड़े। सबसे पहले ट्राई करते हैं गोभी का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा, इनके पास एक ऐसा पकौड़ा जो कि हमने कभी नहीं खाया होगा। मैगी का पकौड़ा मैंने कभी नहीं सुना। कुछ अलग सा है लेकिन बढ़िया। चाप का पकौड़ा, इनके पास नॉर्मल पालक
वाले भी हैं, आलू वाले भी हैं, ब्रेड भी हैं। ये प्योर पनीर का ही ब्रेड है, आलू है ही नहीं। ये देखते कौन सा, मुझे नहीं पता। बैंगन का पकौड़ा, पता नहीं, मैंने मैं कभी खाता नहीं बैंगन, उसे वीडियो के लिए खा रहा हूँ। बढ़िया बैंगन पसंद नहीं मिले, बड़े हमने कह रहे थे काफ़ी फेमस है ये लस्सी भी, गाड़ी गाड़ी है। काफ़ी यूनिक और काफ़ी पुरानी दुकान है, लगभग 1950 के आसपास की दुकान है, पूरे हरियाणा में बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप भी चाहते हो तो बहादुरगढ़ बस स्टैंड के पास आ सकते हैं, स्टैंडर्ड फ्री।